मीन मॉक्स से अच्छा मुझे सेक्सुअल मॉक्स बहुत पसंद है, और मुझे बहुत, अभी भी मैं सेक्सुअल मॉक्स ही मारता हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि वो छोटे टाइम में, मतलब थोड़े से टाइम में, 20-25 मिनट में वो आपका, आपको बता देंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो वो, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई वो काफी यूजफुल थी, मेरे प्री निकले, उसके बेसिस पे मेरे मीन्स भी निकल गया ये वाला। और अभी हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जब भी अपनी लाइफ में हम किसी गोल के बारे में सोचते हैं या हमारे दिमाग में कुछ विजन होता है, तो हम लगातार एफर्ट्स करते जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या फेलियर्स आएंगे, क्या होगा, तो उसके बाद हम कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करके सिलेक्शन या फिर कुछ भी गोल हमारा जो होता है वो हम अचीव कर लेते हैं। तो मे बी आज ऐसी ही बातें दिमाग में रखते हुए सुमित, जो कि आज हमारे साथ है, उन्होंने भी आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन पा ली है। सो हाय सुमित, हाउ आर यू हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। और कैसा लग रहा है आपको आरआरबी क्लर्क बनकर? हाँ मैम, अच्छी फीलिंग आ रही है। एक्चुअली मेरी ये मेरी फर्स्ट जॉब है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, खासकर मेरे फादर, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। मैनी मैनी जी कंग्रेचुलेशंस कि आपको सिलेक्शन मिली है। तो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मैम, मैंने सितंबर 2021 से मैंने अपनी ये पूरी जो बैंकिंग जर्नी है वो मैंने शुरू की थी। एंड उस साल 2021 में मैंने 3 पेपर दिए थे। मैंने IBPS कलक दिया था, SBI का PO दिया था, और एक मैंने, मुझे याद नहीं, मैंने 3 पेपर दिए थे और उसमें मेरा एक भी प्री नहीं निकला था। ओ और फिर मैंने सोचा, फिर मैंने वापस से, फिर मैंने तैयारी शुरू की। मैंने कहा इस, मतलब 2022 में मुझे अच्छे से तैयारी करनी, और मैंने पेपर निकालने। तो इस साल मेरे मैम 3 प्री निकले और 3 में मैं रह गया, और जिसमें मेरे RRB कलक में तो मेरा सिलेक्शन हो गया है। बाकी मैंने SBI का जूनियर असिस्टेंट का भी, अभी उसका भी वो पेपर भी काफ़ी अच्छा जा रखा है, और बाकी मैंने एक IBPS PO का दिया रखा है, उसमें मैं मेंस में मैं बाहर हो गया था। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? क्या आपने किया, ग्रेजुएशन कब की? मैम, मैंने ग्रेजुएशन की थी अपनी BSc से की थी मैंने, और ये मैंने मैम 2019 में मेरी BSc खत्म हो गई थी। उसके बाद मैम मैंने परसू किया था MSc, मैंने परसू किया फिजिक्स से, वो मेरा 2021 सितंबर में खत्म हुआ। उसके बाद मैम मैंने फिर बैंकिंग इसमें मैं आया, तब मैम मैंने अपनी जो भी प्रिपरेशन थी वो मैंने शुरू की। तो आपने पहले से कुछ सोचा था कि मुझे अब बैंकिंग में जाना है या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर में? आपने कैसे सोचा? आपके दिमाग में कुछ पहले से था या आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा था कि आपको गवर्नमेंट वाली साइड परस्यू करना था? हाँ मैम, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, तो मैम गवर्नमेंट जो जॉब्स है उसके लिए मैम काफ़ी करीब है। मैंने मैम आर्मी भी ट्राई किया था, जब मैं 12th में पास आउट हुआ था, मैं अनलकीली मैं नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग में, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था। हाँ एक मेरे भैया थे जो बैंकिंग में, उन्होंने 2016 में वो IBPS कलक उन्होंने निकाला था, और शायद उनकी सेकेंड रैंक आई थी ऑल इंडिया उस पर। तो उनसे मुझे ये था कि हाँ बैंकिंग भी एक है, कि जॉब अच्छी है, उनको जब देखता था कि हाँ कि अच्छा, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अच्छी उनका जो जो उनकी जॉब प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी है, जो वर्क टाइम है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ये था कि हाँ बैंक भी एक ऑप्शन है। तो फिर मुझे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं उस फेज में था कि मुझे किस तरफ जाना है, तो मेरे पे दो ऑप्शन थे, या तो SSC या बैंकिंग। और उस टाइम शायद से कोविड के टाइम पे जो 2019 का जो SSC का सीजियल का जो रिजल्ट था वो काफ़ी लेट आया था, और उसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ एक्चुअली डिस्प्यूट भी चल जी कुछ डिस्प्यूट भी चल रहा था कि रिजल्ट ऐसे सही आया नहीं आया। तो उस डिसीजन ने मुझे पुश किया कि मैं बैंकिंग को एज अ करियर परसू करूँ, तो मैम तब मैं बैंकिंग में आया। अब तो SSC काफी फास्ट हो गया वैसे। जी आप सोच रहे हो मैं इस साल सीजियल देने का, इस साल मैंने ओके सोचा है। जी ओके। तो सुमित, पहले आपके मतलब प्री नहीं निकल रहे थे, तो कहाँ जी जी पीछे छूट रहे थे? मैम, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि उस टाइम, एक तो मैंने ना बैंकिंग को हल्का ले लिया, कभी भी किसी चीज को हल्का नहीं रखना चाहिए। मुझे ये लगा कि बैंकिंग, मतलब जब सिलेबस आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार 10th तक की हर चीज मांगी हुई है, कि जो मैथ्स है कॉन्टेक्स्ट में 10th से ऊपर कुछ मांगा नहीं है, रीजनिंग भी
ब्रीथिंग भी जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड हो, मतलब मुझे स्टार्टिंग में लगता था वो, तो जब पेपर देते हैं तब तो पता चलता है कि क्या बैंक अब क्या पूछ रहा है। इंग्लिश भी लगा कि हाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और जो मेरे पहले के पेपर थे आप मानोगे नहीं, तो मोस्टली मैं रीजनिंग और मैथ्स में कर लेता था कवर, मैं इंग्लिश में मैं रह जाता था। अब ऐसा था कि ग्रामर उस टाइम ढंग से पढ़ी नहीं थी, और दूसरा ये था कि अटेम्प्ट तो मैं करके आता हूँ जितने मतलब मुझे करने हैं, उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो नंबर वो नहीं आते। एक बार मुझे याद है पिछले साल जो IBPS PO का जो मेरा प्री था, मेरे मैथ्स और रीजनिंग में काफी अच्छे नंबर आए थे, लेकिन मैं इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था। और जो मेरे बहुत भयंकर एक शॉकर जैसे बोलते हैं वो था, क्योंकि अब मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, अब घर वालों को कैसे बताऊँ कि मेरी इंग्लिश में ही मैं क्वालिफाई नहीं कर, मतलब जो उसकी सेक्शनल होती है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर मैंने बेसिक से शुरू किया, न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया, फिर मैंने अपनी ग्रामर इंप्रूव की, तो उससे मुझे लगता है कि मुझे काफी मदद मिली। तो आप क्वांट और रीजनिंग में सही थे, आप इंग्लिश जी में वीक थे, तो जी आप पहले से ही वीक नहीं मतलब था मैं ये, हाँ जी मैं मतलब मुझे मार्क्स कम ऐसा थे नहीं, आपके। मतलब मैं जी मैं वीक मतलब मुझे लगता था वीक तो क्यों नहीं था मैं, जब मैं प्री का जब मैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा तो मैं वीक ही होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं वीक हूँ। मुझे लगता था यार इंग्लिश मतलब उनके लिए डिफिकल्ट होती होगी जो जो हिंदी हिंदी बैकग्राउंड से रहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे लिए भी मतलब जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए तो हर चीज़ मैम टफ ही है। अब मैंने ये मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन मैम जो नहीं थी। हाँ, वो पेपर में जो पूछते हैं उसमें डिफरेंस तो है ही कि जी। अब मैम जो जो मोस्टली होता है ना ग्रामर, ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, अगर ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है तो मैम आप फिर अटेम्प्ट ही करके करके आओगे, और फिर नेगेटिव में जाता है, फिर वो नेगेटिव और नेगेटिव कर लेता है, जितना आप सोचते हो कि नंबर आएंगे उतने नहीं आते हैं। तो आपने इंग्लिश के लिए ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट जी किया। क्वांट और जी रीजनिंग जी में मैम भी कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आप वीक रहे होंगे। जी मैम स्टार्टिंग में तो मैम पजल जो थी, जब देखा सिलेबस की पजल का वेटेज काफी ज्यादा है तो मुझे लगा कि मे बी आसान होती होगी, लेकिन मैम जब पजल की पहले बहुत डिफिकल्टीज आई, क्योंकि अब स्टार्टिंग में तो बहुत होता ही है, लेकिन मैं लगा रहा लगा रहा लगा रहा रोज, मैं आप डेली बेसिस पर मैं 5 से 6 पजल मैं रोज अभी भी मारता हूँ। अब ज्वाइनिंग अब मेरी जॉब जो हो गया, अभी भी मेरा ये रहता है कि पजल और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पर मारता हूँ, क्योंकि वो हैबिट बन गई है और वो मुझे काफी हेल्प लग, मुझे ऐसा लगता है कि उससे काफी हेल्प मिलती है। और बाकी जो मेरी बेसिक्स थे, मैंने बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग किए, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक्स ही जो रहते हैं वो सबसे मेन रहते हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, अगर आपके बेसिक अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप जो कहते हैं ना, अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप इमारत जो बनाओगे वो जल्दी ढह जाती है, वो जल्दी ज्यादा मजबूत नहीं रहती। तो मैं मैंने वही किया, बेस मैंने अपने बेसिक पे बहुत काम किया, मुझे लगा कि जो भी मेरे पेपर रुके पिछले साल वो इस साल भी जो मुझे लगा कि जो थोड़े बहुत पेपर जो मेरे रह गए वो इसलिए रह गए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो कमी है वो मैं रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी भी मैं अभी भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा इंप्रूव करता रहूँ, कि हल्के 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 पहले प्रॉब्लम देखनी है कि क्या है, फिर उसके बाद हल्का हल्का उन पर वर्क करना है, तब जाके मुझे काफ़ी पिछले साल से अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अपने आप में। चलो, बहुत अच्छी बात है। बट आप हैप्पी कि आपको जी लगा कि पहले आपको ऑल्दो लगा कि हाँ मेरी इंग्लिश शायद बहुत अच्छी है, आपने हल्के में लिया जो भी है, जी लेकिन जी उसके बाद मैम आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो मुझे अब इस पे वर्क करना है। वरना कई जी लोग मैम क्योंकि एक्सेप्ट आप ही नहीं कर बैक पाते, अरे ये तो कैसे ही। जी 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 मैम वो तो बिल्कुल है, वो मैम सबसे जो मेन जो फैक्टर वो कि आप अपनी गलतियों से सीखो। बहुत लोग होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने में, उनको मतलब मेरे साथ के भी थे कुछ कुछ जो जो 6 6 महीने में जो मैंने तैयारी करके मतलब PO तक पहुंच गए, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे ये था कि मैं ये मुझे ये पता था कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर आसान आएगा अगले साल, या फिर मेरे ही सिर्फ आसान होगा, पेपर का जो लेवल लेवल है वो हर साल बढ़ता रहता है। तो मुझे ये था कि मुझे वर्क करना है, और जो भी मैं गलती कर रहा हूँ ऐसा ना हो कि आज जो गलती मैं कर रहा हूँ वो 6 महीने बाद ही मैं वही गलती करूँ। हाँ भले ही टाइम लगे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे वो इम्प्रूव करना है, इसलिए मैंने उन पर वर्क किया, और भगवान की देन से कि अच्छा रिजल्ट मुझे थोड़े थोड़े दिखने लग गए। बहुत अच्छी बात है। तो आपके प्रीलिम्स में मार्क्स कितने थे? मैम मेरे प्रीलिम्स में मैंने अटेम्प्ट
80 out of 80 किए थे, क्योंकि ये IRRB का कलक जो प्री आता है काफी थोड़ा, मतलब थोड़ा इजी रहता है सारी पेपर से। अब मेरे आए थे 77.5। वाओ, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं ये तो। किसमें, रीजनिंग और क्वांट में कैसे कैसे आपके मार्क्स थे? मैम क्वांट में तो मेरे 40 out of 40 आए थे और वाह, रीजनिंग में मेरे 37.5 आए थे। ओके ओके। तो कहाँ गलती कर दी थी आपने? मैम एक वो एक एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, जो मुझे एक तो नहीं पता कि कहाँ कटा। एक मुझे जो याद है कि एक आता था कि एक वर्ड दिया रहता था, उसमें जैसे कुछ बोल दिया, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, फिफ्थ लेटर, सेवन लेटर करके एक वर्ड बनाना पड़ता था। उसमें मैम मुझे वो हमेशा मेरे गलत होते हैं, मुझे अभी भी पता है। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि ना छेड़ू, लेकिन कभी कभी मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। मुझे पता है मेरे हमेशा गलत होते हैं, मैं अगर मॉक भी दूंगा तो मॉक में भी वही मेरे गलत होते हैं और उसमें भी मेरा वही गलत होता है। मतलब ये तो वैसे काफी अच्छा है कि आपके पहले जो 3 प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए थे और उसके बाद एकदम जी से 77.5 मार्क्स आउट ऑफ 80, जी जी बहुत ही अच्छे जी मार्क्स मैम। हैं। तो आपने पहले कौन से सीक्वेंस, मतलब कैसे पहले क्वांट करी या रीजनिंग करी, और कितना कितना टाइम दिया दोनों को पेपर में वहां पर? मैम मेरा अब टू बी ऑनेस्ट, मैम मेरी रीजनिंग और मैथ्स ना टाइम के साथ दोनों मतलब इंप्रूव। एक टाइम ऐसा होता है जिसमें जैसे मैं थोड़ा अगर ज्यादा मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो वो मेरी दूसरे से अच्छी हो जाती है। तो उस टाइम पे मेरी रीजनिंग थोड़ी मैथ से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो मैं रीजनिंग करता था क्योंकि मुझे रीजनिंग लगता था कि रीजनिंग में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो मैंने रीजनिंग किया था, जहाँ तक मुझे याद है मेरे 20 मिनट के अंदर मेरा रीजनिंग का पोर्शन खत्म हो गया था और 22 मिनट के आसपास मेरा मैथ्स खत्म हो गया था। और जो बाकी बचे हुए 2 मिनट थे, मैं मुझे अभी भी याद है कि एक दो दो मिनट पहले मैंने पूरा पेपर खत्म कर दिया था। और एक यार एक वो क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ जो मेरा रॉन्ग हुआ था, उसको मैंने 2 मिनट दिए थे, फिर भी वो मेरा रॉन्ग हुआ, पता नहीं कैसे। वो मेरे से कभी सही नहीं होता वाला क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स में जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड बहुत मैटर करती है, तो जी मैम स्पीड पर ही वर्क करना पड़ता है। तो आपने कैसे जी मैम स्पीड का ध्यान रखा, कॉन्सेप्ट्स भी बनाए और स्पीड का भी, दोनों ही चीजें करी आपने, तो क्या ऐसा आपने किया? टाइमर मैम मुझे लगा लगा जी कर जी देते थे जी मैम मुझे ये कि हाँ नहीं, एक मैम टॉपिक टू बी लिया ऑनेस्ट आपने? जी मैम ऐसा था कि पहले मैं ना मॉक देता था, उसमें मैं देखता था कि मेरे नंबर कहाँ पे कटते हैं या फिर कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स किए हैं। जैसे अगर नेगेटिव जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर जैसे मान लो मुझे ना जो मेन मॉक्स से अच्छा मुझे सेक्शनल मॉक्स बहुत पसंद है, और मुझे बहुत अभी भी मैं सेक्शनल मॉक्स ही मारता हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि वो छोटे टाइम में, मतलब थोड़े से टाइम में 20-25 मिनट में वो आपको बता देंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो फिर मैं वही चेक करता था कि मैं कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रही है। जैसे आप मैंने देख लिया कि अच्छा आज मैंने जैसे ये पजल नहीं बनी या फिर गलत हो गई, तो मैं देखता था कि क्यों गलत हुई। फिर वो नेक्स्ट डे मैंने क्या करता था कि मैं फिर वो एक मैंने पॉइंट लिख देता था कि हाँ ये पजल मेरी वीक है। तो मैं पजल का जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेली पजल मारता हूँ, तो फिर मैं जैसे 6 से मैं 8 कर देता था पजल। और अगर वैसे अगर कुछ और टॉपिक में अगर मेरी कुछ कमी रह जाती है तो मैं क्या करता था कि सुबह उठ के मैं पहले वो चीज़ें सॉल्व, मतलब जैसे जो मैंने अपने को टारगेट दिया है, मैंने वो टारगेट कंप्लीट करना है, फिर उसका मैं मॉक देता था। फिर मैं देखता था कि क्या गलतियां आ रही है, फिर अगले दिन उनको फिर लिख के, एक कॉपी मेरे पे अभी भी है वो, मतलब तो उसमें मैं लिखता था। और उसमें मैं फिर अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस करने बैठता था, फिर मैं उसी सीक्वेंस में उनको करता था। और जहाँ पे मुझे लगता कि मैं वीक हूँ तो मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिए उसके, और वैसे करके फिर मैं मुझे लगता है काफी इम्प्रूवमेंट आया है। मॉक्स की प्रिपरेशन आपने, मतलब मॉक्स कहाँ से आपने दिए? और एनालाइज तो ऑब्वियसली करना जरूरी है क्योंकि मॉक्स को। जी। मैम मैंने मॉक्स मुझे अभी भी याद है, उस टाइम मुझे इतना, जब मैं बैंकिंग में आया था तो मेरे जो भैया थे उस टाइम उन्होंने जब दिया था तो उस टाइम पेपर ऑफलाइन होता था। ऑनलाइन मेरे ख्याल से 2016 के बाद ही हुआ ये ऑनलाइन पेपर। तो उनको भी इतना कुछ पता नहीं था, तो फिर मैंने ढूंढा ढूंढा पता, फिर मुझे प्रैक्टिस मॉक के बारे में पता चला कि इसका जो लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है बैंकिंग उसके लिए, सेक्टर के लिए। तो फिर मैंने काफी मॉक्स, पहले 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 मुझे लगा कि अब ऐसा था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे भी मैं कहीं भी मैं ऐसा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर मैंने जो आपके फ्री मॉक्स थे मैंने वो दिए, आप डेली बेसिस में क्विजेस देते थे, वो मैंने बहुत मारे।
सीरियसली मैंने बहुत मारे हैं। आप मुझे भी अभी याद है कि 10-10 मिनट की आपकी दो पजल रहती थी, डीआई रहती थी, वो मैंने बहुत मारे हैं और मुझे लगता था कि हाँ काफी अच्छा है। तो फिर मैंने तब इसमें इन्वेस्ट किया और जो मुझे लगा कि काफी सही डिसीजन था मेरा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस मॉक के मॉक बहुत बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे तो थैंक यू पर्सनली सो बहुत मच। पसंद है। मैं अभी भी मैं उसमें ही देता हूँ मॉक, और काफी अच्छे मार्क्स मुझे लगते हैं उससे। पर हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे आपके हार्डवर्क के लिए कि आपने डेली डेली मॉक्स लगाए, डेली क्विजेस दिए और अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया। तो आपने मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर दी थी, प्रीलिम्स के साथ ही? मैम मेरा ऐसा था, एक वो मैं आपको बोल रहा हूँ फेस मेरा ऐसा था कि मेन मेरे लिए ये था कि मुझे जॉब का था ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे जॉब का था ही नहीं कि मुझे इस साल जॉब मिल सकती है। मुझे ये था कि प्री निकालना है, क्योंकि मैं बोलता हूँ पिछले साल मेरे एक एक भी प्री नहीं निकले, मेरे साथ वाले थे या जो बच्चे थे उनके जब निकल रहे थे थोड़ा बुरा लगता है कि उनके निकल गए अब मेरे मैं रह गया। तो मेरा ये था कि मुझे पहले प्री में मैंने बहुत मेहनत की टू, और उसके बाद मेंस तो मेरा हुआ जब मेरा ये इसका रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की। और लेकिन तब तक मेरा बेस इतना स्ट्रांग हो चुका था कि मीन्स मैंने काफी इजीली मैंने इसका क्रैक कर दिया था। आपके मेंस में कितने कितने मार्क्स थे? मैम मीन्स में मैं रीजनिंग में मेरे 50 out of 50 थे, मेरे सारे सही थे, मैंने वाह। अच्छा खासा उसमें जी मैम मैंने मेहनत काफी की थी उसमें। और मैम मेरे मैथ में मुझे एग्जैक्ट मार्क्स तो याद नहीं है, लेकिन मैंने उसमें जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 34 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 40, उसमें मेरे दो क्वेश्चन गलत थे, 31.5 मेरे इसमें नंबर आए थे, उसको 1.25 से इंप्रूव करना पड़ता है। और मेरे मेरे जीए में मेरे नंबर थे 21.75, एंड मैम मेरे इंग्लिश में 32 के समथिंग के आसपास थे, ये भी सबसे कम मैम काफी मेरे अच्छे हैं कंप्यूटर में। मार्क्स जी हैं इंग्लिश मैम में भी। जी मैम और मेरे कंप्यूटर में मैं मेरे सबसे कम उसमें थे 8.5, वो तो मैं बड़ी मुश्किल से मैंने मुझे कंप्यूटर बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ मैं उसमें। और मेरा जो टोटल जो मेरा बना है वो मेरा बना था 149.71 के आसपास मेरा बना। ओके, काफी काफी अच्छा है ये। तो जी कितना वो मैम फाइनल आपका था? हाँ बोलिए मैम मुझे प्लीज। भी हैरानी हुई जब मेरे न मुझे भी हैरानी हुई जब मेरे इतने नंबर आए। मुझे लगा नहीं था कि मेरा, मतलब मुझे ऐसा था कि मेरा पहला मेंस था, मुझे ये था कि अपना, मुझे ये नहीं था कि मैं निकल जाऊंगा, मुझे ये था कि जो भी है जो भी जैसा भी पेपर आएगा मुझे अपना 100% देना है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जैसी भी सिचुएशन हो मैं थोड़ा काम रहूँ, और उस वो काफी मुझे मैम हेल्प हेल्प करती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने मेंस के लिए भी कुछ स्पेशल पढ़ा था? मैम मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा था मैम, फिर वही जो आपकी क्विज़ेस आते हैं वो मैंने उसके मैं मेंस के वही करता था। थोड़े बहुत मैंने आपके मॉक्स दिए जो मेंस के आते थे, उससे मुझे लगता है कि काफी हेल्प। अब ऐसा होता है कि मैम मेंस के जो मॉक रहते हैं ना वो 2 घंटे का रहते हैं, फिर वो पॉसिबल नहीं होता है, हमारे यहाँ पे लाइट का भी इशू रहता है कि कभी लाइट चली जाती है कभी कुछ हो जाता है। फिर तो मैम मैं कोशिश करता था कि मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, और वो मेरा बेस में बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से मेरा ये पेपर इजिली क्रैक हो गया। तो आपने बस प्रैक्टिस की, मतलब आप प्रैक्टिस जी करते मैम रहे जब तक आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आने लगे। जीके जीके जी सर मैम की क्या आपकी? मैम जी के पहले पहले मैम समझ नहीं आया कि क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद मैम फिर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी कि कैसे उसकी स्ट्रेटेजी होती है, कैसे उसको मतलब तैयारी करनी पड़ती है, उससे फिर मैम सीखा काफ़ी सीखा। फिर आपके जो मैम क्यूजेज आते हैं वो वीकली वाले, वो मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत देता हूँ मैं तो दो आपके मैंने वाले जो क्विजेज हैं वो मैंने जो आप वो तो करंट अफेयर्स के आपके फ्री भी हैं उसमें, वो पेड पेड भी नहीं है वो फ्री हैं। वो आप वो मैंने मैम दो दो तीन तीन बार दिए, एक एक में जैसे वीक के रहते थे वो मैं दो दो तीन तीन बार देता था। तो उससे क्या होता है कि मुझे क्वेश्चन भले ही मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं मुझे एलिमिनेट करने में ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती थी, और वो एक एक मेमोरी में रह जाता है उसका, जो भी अगर कुछ क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो मेमोरी में रह जाता है, और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है उससे। तो बहुत अच्छा है। तो सुमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने आप को इतना अपनी पूरी प्रेपरेशन में इतना मोटिवेटेड कैसे रखा कि हो जाएगा, एक दिन तो होगा। मैम तो भी मतलब मैम मैंने कभी इतना दूर का नहीं सोचा था कि मुझे जॉब मिलेगी। हाँ ये था कि जॉब के लिए ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ये था कि
हमेशा मतलब वन स्टेप मैं सोचता था कि अभी मुझे प्री निकालना है, फिर मेंस। मुझे ये था कि इस साल तो मुझे प्री निकालने निकालने, भले ही मैं, क्योंकि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बाई चांस मेरी प्री भी नहीं निकलते इस महीने, ऐसा नहीं था कि लाइक इस साल तो ऐसा नहीं था कि मैं तैयारी छोड़ देता। फिर अगले साल मैंने, फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी थी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने ये सोचा हुआ था तो। लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई वो काफी यूजफुल थी, मेरे प्री निकले, उसके बेसिस पे मेरे मेंस भी निकल गया ये वाला। और अभी मैंने SBI का देखा, वो भी काफी अच्छा जा रखा है, मुझे उम्मीद है कि फैसला उसमें भी मेरा हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि कैसा उसका रिजल्ट रहता है। आप डेली कितने आवर्स वैसे पढ़ाई किया करते थे इन सब एग्जाम्स के लिए? मैम जी, मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैंने बोला आपको, जब मैंने बैंकिंग को हल्के में लिया तो मैं 4 to 5 hours देता था, कि मैंने कहा काफी है, बैंक है, कोई से सिविल सर्विस का एग्जाम है कि 10-12 घंटे पढ़ना है। लेकिन टाइम टू टाइम मुझे पता चलता रहा कि कम है इतना, अगर आप दोगे तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर आप लगा लो, जो जो बच्चा अगर दिन के 10 घंटे दे रहा है और आप 4 घंटे दे रहे हो, तो आपको 2 टाइम ज्यादा टाइम, उसको मतलब 2 गुना ज्यादा टाइम पे है आपके क्रैक होंगे पेपर। तो मैम फिर मैंने लास्ट लास्ट में टाइम बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा, तो अब मैं 10 से 11 घंटे में देता हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन काफी अच्छी है आपकी कि हाँ, जैसे आपको जी जब जब प्रॉब्लम लगी आपने फटाफट उसके लिए सॉल्यूशन निकाल लिया और इमिडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स जी ग्रेट। मैम, धीरे धीरे। जी मैम, ऐसा नहीं था कि एकदम से मैंने टाइम लिमिट इंक्रीज की, धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ मुझे ये भी पढ़ना है डेली बेसिस में। फिर मैं अभी भी चारों, अगर मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए तो मैं डेली बेसिस में चारों, जो भी मेरे जो चारों सब्जेक्ट हैं वो मैं कवर करता हूँ डेली बेसिस में। कवर अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो अभी भी डेली बेसिस में मैं 1-1 2-2 घंटे में सारे सब्जेक्ट को देता हूँ। तो सुमित, आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है क्या? मैम हाँ मैम, मेरा DV तो हो गया था एक्चुअली। मेडिकल मैं टेम्परेरी अनफिट हूँ, मेरे गॉल ब्लैडर पे स्टोन्स निकले थे, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, सर्जरी करा चुका हूँ, अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ 1 वीक का। मैंने एक्सेप्शन लिया है अभी 3 तारीख तक, 3 मार्च तक, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा मैम। ओके, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके साथ जी आप जी मैम, कुछ ज्वाइन तो करनी उसके है, साथ आप कुछ फर्स्ट आगे जॉब है। का बिल्कुल उसके साथ आप आगे कुछ जी सोच रहे हैं प्रिपेयर करने का? जी जी मैम, मैम इस साल जो मेरा टारगेट है वो PO का है। फिर मैं बताता हूँ, मेरा ये नहीं है, मतलब ये है कि PO बनना है, लेकिन इस साल मेरा टारगेट है कि मैम इंटरव्यू तक पहुँचना। इस साल कम से कम इंटरव्यू तो पहुँचना है, अगर भगवान की मदद रही तो मैं भी सिलेक्शन ले लूँ एज अ PO, बट इस साल है कि इंटरव्यू तक क्वालिफाई करना है। आप बहुत इंटरव्यू कंसिस्टेंट हैं, इंटरव्यू जी आप बहुत ज्यादा जी मैम कंसिस्टेंट हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए ही। तो हाँ, हम विश करते हैं आपको मिले वो। तो जी मैम, सुमित, ऐसा कुछ है क्या जो कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं हमारे फेलो एस्पिरेंट्स को, जो आपकी कहानी सुनते हुए वो भी कुछ एग्जाम क्रैक कर सके, या जिनके नहीं हो पा रहे हैं बिगनिंग में आपके, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उन्हें भी थोड़ा सा नहीं, उनके एग्जाम्स क्रैक हो पा रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, कोई मेंस में छूट जा रहा है, कोई इंटरव्यू में रह जा रहा है, कुछ ऐसा आप एडवाइस देना चाहेंगे? मैम मेरा तो ये, मेरा सिंपल जो मेरी फिलोसफी है वो मैम यही है कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे कोई भी ऑनेस्ट बैंकिंग जो सेक्टर है वो इतना मुझे बढ़िया लगा, इसके जो पेपर होते रहते हैं वो लगातार होते रहते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे, आप कि आपकी कमी कहाँ रह रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जस्टिस मतलब आप देखिए कि कहाँ पे आपका कम हो रहा है, फिर आप देखिए कि क्यों, अगर आप उसमें वर्क नहीं करेंगे तो फिर 6 महीने बाद भी आप वहीं पे खड़े रहेंगे जहाँ पे आप अभी हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा अपने जो भी मेरे फेलो एस्पिरेंट है कि उनको, कि आप अपनी मिस्टेक्स जो हैं आप उनको रेक्टिफाई करिए, पहले पहले तो उनको पहचानिए, फिर उनको रेक्टिफाई करिए। अगर आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आप कभी भी, क्योंकि आप बैंकिंग का जो मैंने जो देखा है, जो मैंने मुझे लगा है कि वो हर साल उनका जो लेवल है पेपर का वो एक एक स्टेप ऊपर गया है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अगले साल इजी पेपर आएगा, ऐसा नहीं होगा, वो और टफ पूछते रहेंगे पूछते रहेंगे। तो आपको जो सबसे मेन जो यही है कि आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं आप पहले वो देखिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अगर आपकी आपका अकाउंट वीक है तो आप, अगर या अर्थमेटिक वीक है तो आप क्लासेस देखिए और क्वेश्चंस कीजिए, उन पर वर्क कीजिए धीरे धीरे। एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक रात में ही उसको ओवरकम कर जाएंगे, अपनी जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं। टाइम लगेगा लेकिन टाइम के साथ आप इम्प्रूव करेंगे, और मुझे भी अगर मैं कर सकता हूँ तो आप, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे से लाख गुना अच्छे होंगे पढ़ने में,
मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, वो तो आराम से कर सकते हैं। मैं ओके सुमित, आप मतलब सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट थे क्या अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग? नो मैम, या स्टार्टिंग में तो मैम मैं जब सीरियसली नहीं था तब मैं हर चीज करता था, हर चीज। मैं गेम भी खेलता था, मैं उस टाइम पबजी बहुत चलता था, मैं पबजी बहुत खेलता था। फिर मैम धीरे धीरे करके मैंने पबजी वो हटाया, फिर सोशल मीडिया हटाया। लास्ट में मैं सितंबर मतलब एक साल तक मैं नहीं था, उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम मैंने वापस इंस्टॉल किया सोशल मीडिया, अब मैं हूँ। लेकिन मैंने बीच में जो मुझे लगा कि कुछ ज्यादा टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे या फिर किसी और चीज को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो फिर मुझे लगा कि अब इनको हटाना चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ में, क्योंकि ऐसा है कि ये चीजें हमेशा वहीं रहेंगी, सोशल मीडिया है हमेशा वहीं रहेगी। आपके पास अगर आप जिस एज पे हो, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज के लिए, अगर आप एक साल अच्छे से दोगे तो आप बहुत अच्छी जगह जा सकते हो। जितना आप सोच मतलब जितना आपको चाहिए आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया वैसे देख सकते हो, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर आप कंट्रोल में कर रहे हो हर चीज तो आप यूज कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही हद से बाहर जा रहा है तो आप हटा दो, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। कि क्योंकि कोई किसी को, कि सबकी अपनी अपनी फाइट रहती है, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, तो किसी को मतलब नहीं लगेगा कि आप सोशल मीडिया पर हो या नहीं हो। बाकी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आप किसी को, अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उससे कॉन्टेक्ट में रह सकते हो, बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो रहता ही है सोशल मीडिया का। तो जी थैंक मैम, यू वो तो सो मच सुमित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में सुन के, एंड आई एम श्योर आपसे सीख कर, आपके बारे में सुनकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनका नहीं निकल पा रहा है वो भी अपनी लाइफ में कुछ फटाफट से जो उनको लग रहा है जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वो जी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वो उनको करेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो जी मच मैम, सुमित अगेन, एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।